डेंटल इम्प्लांट के लिए तैयारी। नमस्कार विवस, डेंटल टॉक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने डेंटल इम्प्लांट के विकल्पों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले, अगर आपने डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको नए वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इम्प्लांट के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है डेंटल चेकअप। सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट के पास एक चेकअप करवाना होगा। वे आपकी मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और ये तय करेंगे कि आप इम्प्लांट के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। फिर दूसरा, एक्सरे और स्कैन। डेंटिस्ट आपकी मुँह की स्थिति को समझने के लिए एक्सरे या सिटी स्कैन करा सकते हैं। ये उन्हें ये तय करने में मदद करेगा कि इम्प्लांट कहाँ और कैसे लगाया जाएगा। फिर तीसरा है स्वास्थ्य इतिहास, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री। अपने डेंटिस्ट को अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी दें। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं या फिर किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे बताना न भूलें। फिर चौथा है धूम्रपान छोड़ें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इम्प्लांट से पहले इसे छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। धूम्रपान इम्प्लांट की सफलता को प्रभावित कर सकता है। फिर पांचवा है मानसिक तैयारी। डेंटल इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है, इसीलिए मानसिक रूप से तैयार रहना भी आवश्यक है। प्रक्रिया के बारे में जानें और अपने डेंटिस्ट से किसी भी प्रकार की सलाह लें। इन तैयारियों के साथ आप डेंटल इम्प्लांट प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले एपिसोड में हम इम्प्लांट प्रक्रिया के चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दांतों का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्वस्थ मुस्कान बनाए रखिए।